हेलो भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज आपको हम बताते हैं नाइट में गाड़ी कैसे चलाते हैं। रात का वक्त है, अभी 10:03 टाइम हुआ है। तो कुछ यहाँ पर आपको बटन्स बताएंगे। मैं ये वीडियो सऊदी अरेबिया से बना रहा हूँ, रियाद से। तो मेरे पास वही गाड़ी है, फोर्ड एक्सपीडिशन गाड़ी, जो मैं मेरे चैनल पे एक वीडियो डाल चुका हूँ इस गाड़ी के बारे में। वो दिन में चला के बताया था कि मैं कैसे चलाना है, अब मैं आपको रात में बताऊंगा। अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, पूछो मत। अभी 43 डिग्री गर्मी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अच्छे से अपना फ्रेश होना चाहिए नाइट में, अगर आपको निकलना है ना नाइट में। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए जब निकलना है तो आपको अच्छे से फ्रेश होना चाहिए। आपको पहले तो अपना मुंह धोना चाहिए, या हो सका तो आपको पानी भी ना लेना चाहिए, ताकि ये सुस्ती निकल जाए या आप फ्रेश हो जाए, माइंड जो है फ्रेश हो जाए। और अच्छी सी बात ये भी है कि काली वाली चाय जो होती है, दूध वाली ना पिए, जो काली सादी वाली चाय होती है वो चाय पियेंगे, तो वो भी थोड़ा अपने जिस्म में हॉट गर्मी को देगी, उसके लिए उसके बाद जो है नींद भाग जाएगी, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ड्यूटी मेरा अभी ख़त्म हुआ है, मैं सोचा कि अभी मेरे को दुकान को भी जाना है, तो मैं आप लोगों को गाड़ी चला के भी बता दूंगा कि क्या क्या करना है। पहले आपको मैं बताता हूँ यहाँ का बटन का सिस्टम। अभी मैं ये टॉप लाइट चालू किया हुआ हूँ, यहाँ से इसको बंद कर दूंगा, ये बंद हो गया, फिर ये चालू हो गया और ये भी चालू हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी में पीछे भी और इधर दो है और पीछे एक लाइट है, टॉप लाइट से ये। तो चलिए मैं बताता हूँ, अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास लोगों को पसंद नहीं आती है। तो बहुत अच्छी बात ये है कि आपको अपर टिपर तो मालूम होगा आपको, जैसे कि रोशनी कम ज़्यादा होती है। मैं जो लोग नॉर्मल लैंग्वेज को समझते हैं ना, वो तरीके से आपको बताऊंगा, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे तरीके से, ज़्यादा अंग्रेजी तरीके से नहीं बताऊंगा। जो अनपढ़ लोग, यानी कि एकदम जिसको ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती है, जो देख के सीखते हैं, जैसे कि अभी मैं बोला हूँ लाइट को ऊपर नीचे करो या अपर डिपर करो, ये इंडिया में बहुत चलता है। यार अपर डिपर करो लाइट को, जैसे कि ये अपर डिपर हो गया, आपको दिख रहा होगा रोशनी। तो मैं आपको बताऊंगा गाड़ी चला के। पहले तो चलिए आपको बताता हूँ यहाँ के सिस्टम कैसे होते हैं, हेडलाइट के, और ये सारे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आ जाइए। तो चलिए भाई, पहले तो मैं गाड़ी चालू करता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये तो इंजन लाइट है, इंजन में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये लाइट जल जाएगा। तो गाड़ी अभी देखो यहाँ पर कितना डिग्री बता रहा है, 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको बता रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं गाड़ी चालू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, मैं गाड़ी चालू कर दिया, आप देखे होंगे। तो यहाँ आप टाइम भी देख सकते हैं, 10:06 हो गया है। और यहाँ बटन से मैं आपको बता दूँ, कुछ गाड़ियों को इस लीवर में दिया जाता है लाइट के लिए इसमें, लेकिन ये गाड़ी में जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये पार्किंग है। जैसे कि मैं इसको चालू करूँगा तो नीचे के जो पार्किंग लाइट है वो चालू हो जाते हैं, और ये हेडलाइट जो है, देखो आगे देखो आप, दीवार पे देखो, हेडलाइट चालू हो गए। तो मैं नॉर्मली ऑटोमेटिक पे रखता हूँ, जैसे कि ऑटोमेटिक पे रखा तो सब चालू हो जाएंगे, ये भी चालू हो जाएगा, पीछे से ब्रेक लाइट भी, ब्रेक लाइट में भी जो पार्किंग लाइट होती है वो भी चालू हो जाएगी। आप यहाँ पर रिवर्स में डालेंगे तो रिवर्स की भी लाइट चालू हो जाएगी, और जो है जो पीछे नंबर होता है, नंबर प्लेट, उसका भी लाइट चालू हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और एक मैं आपको कमाल की बात बता दूँ, लाइट क्यों बंद हो गया भाई साहब, चालू हो जाओ भाई साहब, तो जो है लाइट साहब जो है हमारे बंद हो रहे हैं। इसके क्या नाम, इसका फ़ोन का नाम क्या है, हवावी नोवा 3, बेकार फ़ोन है। और ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जैसे ऊपर घुमाऊंगा और टॉप लाइट चालू हो गई, नीचे करूंगा तो बंद हो गई। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, भाइयों, तो ये आप देख सकते हैं जो चक्री है, इसको घुमाएंगे ऊपर नीचे तो जो है, आप यहाँ, आपको यहाँ पर भी बता दूं मैं, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ, ये मैंने फ्लैश बंद कर दिया। अभी मैं ये चक्री को घुमा रहा हूँ, देख सकते हैं आप इसमें जो है, अभी ये टॉप लाइट पूरे चालू हो गए हैं, और ये देखो मैं इसको कम कर दिया हूँ तो ये सब बंद हो गया है। तो ये अभी ऑटोमेटिक पे है, ठीक है ना। जैसे मैं डोर खोलूँगा तो टॉप लाइट चालू हो जाएंगे, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं बंद करूँगा तो बंद हो जाएंगे। तो इसको नॉर्मल पे रखना चाहिए, जैसे कि आपको इतना दिखे,
ठीक है ना, इतना आपको दिखना चाहिए क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड वगैरह सब मालूम होती है। और ये जो लाइट दिख रही है आपको यहाँ पर, ये सीट बेल्ट के लिए है। अभी मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ तो वो भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने सीट बेल्ट ये लगा दिया तो चली गई है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, अभी आप आपको यहाँ पर और एक बटन बताता हूँ मैं। ये जो आपको त्रिकोण दिख रहा है ये है फ्लाशर का बटन, इससे फ्लाश चालू होता है। ये चार इंडिकेटर चालू हो गए हैं, ठीक है ना, ये चार इंडिकेटर इसमें चालू हो गए हैं। ये आपको आगे से तो नहीं दिखेंगे, नीचे उतर के दिखाना पड़ेगा आपको, चमकते हुए दिख रहे होंगे तो दिख जाएंगे आगे, ठीक है ना। तो फोर इंडिकेटर चालू होते हैं, आपको चेक करना चाहिए आपके फोर इंडिकेटर चालू है या बंद है, ठीक है ना दोस्तों। जब भी आपको राइट लेफ्ट मुड़ना होता है आपको जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल आसानी से करना चाहिए। जैसे कि ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, हादा यमीन हादा एसआर, ठीक है ना। तो अभी आप आगे देख सकते हैं, आपको आगे बताऊंगा मैं। तो चलिए आगे बताता हूँ। अभी जो है मैं लाइट जो रखा हूँ, इसका हेडलाइट जो है नॉर्मल पे रखा हूँ, ठीक है ना, ये नॉर्मल पे है। अभी मैं इसको ज्यादा करूंगा तो ये देखो ये ऊपर मारेगा। तो आपको नॉर्मल लाइट पे चलाना चाहिए। जब भी आप ज्यादा अंधेरे में जाते हैं, आपको खड्डे वगैरह दिखते नहीं है, तो आपको ये जो है ज्यादा लाइट ऐसे रख करके चलाना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो ये ज्यादा दिखा रहा है, अभी ये हो गया नॉर्मल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखो ये लाइट जो आ गई है ना, ये जो है लाइट ऊपर को मारेगी, ऊपर साइड को मारेगी। जैसे कि आगे से गाड़ी आ रही है तो उसके फेस को मारेगी। अगर आप ऐसे रख के चलाएंगे तो आगे वाले को डिस्टर्ब होएगा, ठीक है। तो मैं अभी नॉर्मल में गाड़ी, नॉर्मल में इसका लाइट हेडलाइट रख दिया हूँ, तो अभी मैं चल सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ। अपने साइड से खुद को चलना चाहिए। और एक बात जो है मैं बता दूं आपको, नेट में जितना हो सके आपसे उतना स्लो चलिएगा, क्योंकि आगे का आपको ज्यादा दिखता नहीं है। दिन में जितना आप देख सकते हैं, रात में उतना नहीं देख सकते हैं। जितना आपका हेडलाइट आपको बताएगा उतना ही आप देख सकते हैं। और एक बात जो है, आगे सडनली कुछ भी आ जाएगा तो आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। ऐसा ना हो मैं दुआ करता हूँ। बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे एक दोस्त का भी एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत परेशान हो गया था बंदा इसी रात के टाइम में ही। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है केयरफुली रात में गाड़ी चलाना चाहिए। जितना हो सके आप स्लो गाड़ी चलाइए, जितना आपकी हिसाब से हो सकता है स्लो चलाइएगा। उतना भी स्लो नहीं कि जितना यानी कि एकदम स्लो कर दो, ठीक है ना दोस्तों। तो यही होता है रात में गाड़ी चलाने का तरीका। तो चलिए मैं आपको थोड़ा गाड़ी चला करके ड्राइविंग करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक लाइट बता रही है, देखो ये लाइट जो है ना, ये लाइट, ये गेयर डंडे वाली लाइट है, ऐसे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ सारी ये लाइट बता रहे हैं, ये एसी के है, ये दिन में भी दिखते हैं आपको, रात में भी दिखते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा। टाइम अभी क्या हो रहा है, 10:12 टाइम हुआ है, ठीक है। मैं टॉप लाइट बंद करता हूँ, अभी आगे दिखाते हुए आपको गाड़ी चलाता हूँ मैं, ठीक है। तो और एक बात जो है, जो सामने से जो गाड़ियां आती है, सामने से जो गाड़ियां आती है ना, तो गाड़ी के लाइट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर लाइट के ऊपर अगर आपकी आंख अगर वो लाइट को देखेगी ना, तो जो है आपकी आंख में चमक आ जाएगी, फिर आपको सामने का नजर नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक लाइट का ऐसा होता है हिसाब कि वो आपके सीधा फेस पे मारेगी, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं करना है। आपके ट्रक के बीच में जो पट्टे होते हैं आपके, उसके बीच में से आपको गाड़ी चलाना है एकदम स्लोली, और आपको देखना है रोड पे ध्यान देना है आपको, ना कि गाड़ी पे, ठीक है ना। जो अपनी गाड़ी है अपनी गाड़ी पे ध्यान रखना है, और आगे की जो रोड होती है रोड के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि मैं चलूंगा अभी आपको मैं सीधा बताऊंगा कैसे चलना है। अभी यहाँ पर चौरस्ता है, तो चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि एक गाड़ी जा रही है, देखो ये चौरस्ता है, यहाँ पर इसने ब्रेक किया और एक गाड़ी इधर आ रही है और वो एक उधर से जा रही है। तो ये अलनमार का चौरस्ता है, गली में। अभी यहाँ पर चौरस्ता है, मेरे को यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रुक गया, रुकने के बाद मैं गाड़ियों को देख रहा हूँ और मेरे को जाना है सीधा। गाड़ी नहीं आ रही है तो मैं इसे भगा के जो है उसके पीछे निकल जाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लो मैं निकल गया अभी, तो बड़ी आसानी के साथ जो है मैं गली में घुस गया हूँ, गली में मैं जा रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं, जितना हो सके आपसे उतना स्लो गाड़ी चलाइएगा, आपके लिए सेफ्टी है। तो अभी हमको जाना है दुकान को। तो ये गली है दोस्तों, एक सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में जो रियाद है, रियाद की गली है। ये चाचा यहाँ पर घूम रहे हैं और ये नाना इधर से जा रहे हैं पैदल, और बहुत सारे गाड़ियां सामने से आ रही है। ये गली में मैं जा रहा हूँ, तो चलिए आपको दुकान में जाता हूँ मैं पहले, जो अपना सामान लेना है, लेने के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमको लेना था दुकान से ये हमदियात मिरिंडा और एक पानी का बोतल, क्योंकि अभी ड्यूटी अभी हमारा खत्म हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं घर को। तो चलिए चलते हैं, अभी हमने टॉप लाइट बंद किया है, अभी हमको जाना है राइट साइड में, तो अभी हमको इंडिकेटर डाल के जाना पड़ेगा।
तो चलिए चलते हैं। अभी मैं ये इंडिकेटर डाल दिया, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, तो आपको पहले टी पॉइंट पे देखना चाहिए कि गाड़ी किधर से आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे गाड़ी आपकी नहीं आ रही है, आपको घूमना चाहिए और अपनी गाड़ी लेके निकल जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही होता है रात में गाड़ी चलाने का सिस्टम। और एक बात क्या है, आपको ज्यादातर इंडिकेटर पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि इंडिकेटर डाल के चलाएंगे तो पीछे वाले को या आगे वाले को पता चलेगा कि आपको किधर मुड़ना है और किधर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो मैं ये लाइट को चालू करूंगा, क्योंकि मैं गली में घुस रहा हूँ। देखो इधर से गाड़ी आ गई, इधर से गाड़ी आ गई, आगे से गाड़ी आ रही है, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी आ गई। ये गलियों में ऐसे ही होता है, तो देख सकते हैं आप गलियों में जाम हो गया, मैं ब्रेक हो गया। तो बड़ी ध्यान से, बड़ी आसानी से, बड़ी सुकून के साथ आपको गाड़ी चलाना होता है, और कुछ नहीं है, टेंशन ज्यादा लेने का नहीं। और ज्यादा रात हो गई तो आपको ऐसा एक पानी का बॉटल साथ में रखना चाहिए, और बार बार आपका मुंह धोते रहना चाहिए ताकि आपको नींद नहीं आए। क्योंकि अगर नींद आ जाती है, अगर नींद लग जाएगी ऐसे करके, तो गाड़ी भी आपकी जाके कहीं लग जाएगी, ठीक है। आपकी गाड़ी नहीं लगना है, आपको नींद नहीं आना है, तो आपको ऐसा पानी रखना चाहिए या तो कुछ टाइम पास के लिए खाते रहना चाहिए। और जिसको गाने सुनने की आदत है, ज्यादातर गाने सुनने वाले भी होते हैं, तो ऐसे भी होता है, एक एक गाना ऐसे होता है कि आपको सुला देगा, एक एक गाना ऐसा होता है कि आपको नींद लगा देगा। तो गाने भी अच्छे देख के, जो आपको आपके दिल को सुकून पहुंचाते हैं, वो गाने आप सुन सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। तो जैसे कि चाचा अभी तक यहीं पे टहल रहे हैं रोड पे, पता नहीं इनको क्या हो गया, हो सकता है खाना खाने के बाद ये रोड पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये गली है दोस्तों, सऊदी अरब की रियाद की गली है। मैं रियाद की गली में आपको घुमाते हुए बता रहा हूँ कि रात में गाड़ी कैसे चलाना है। बल्कि मेरे को बताना चाहिए था ज्यादा अंधेरे में जाकर के कि गाड़ी नाइट में कैसे चलाना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ अंधेरा मिलना बहुत मुश्किल है भाई, अंधेरा नहीं मिलेगा। जैसे कि रोड पर लाइट चमक रही है, ये बाजू में देख सकते हैं आप, आपको अंधेरा पॉसिबल नहीं है, आपको अंधेरा मिले यहाँ पर ज्यादा खास करके उजाला ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं वही चौरस्ते पे आया हूँ, वही चौरस्ता है, फिर मैं यहाँ रुक गया, अभी इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन मैं निकल जाता हूँ जब तक, ऐसे आराम से सुकून से, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको, गाड़ी आपकी नाइट में निकालने से पहले आपको फोर इंडिकेटर चेक करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको फोर इंडिकेटर के बाद में जो है गाड़ी का पेट्रोल वगैरह चेक करना चाहिए, और टायर जो होते हैं टायर का खास करके चेक करें, क्योंकि आप रात में जब सफर पे निकलते हैं ना, तो आपको बीच में कहीं टायर पंचर का दुकान मिलेगा नहीं, और आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं रहता है आप रिपेयर कर सके, ठीक है ना। तो अभी मेरे को पार्किंग करना है गाड़ी, ठीक है। तो ये देखो मैं इधर से गाड़ी लगा दिया, ठीक है ना, वो भी गाड़ी अपनी है, ये भी गाड़ी अपनी है, अपनी यानी कि अपने बॉस की गाड़ी है, मेरी नहीं है, ठीक है। तो वो गाड़ी को भी सेम सिस्टम होता है, उसका भी गियर डंडा इधर ही होता है, उसको भी हेडलाइट वगैरह सारे सेम होते हैं, सब मैं बंद किया हूँ, ये टॉप लाइट मैं बंद किया हूँ, अभी ये एसी बंद किया हूँ, फिर गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा दिया, फिर गाड़ी भी बंद कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मुश्किल नहीं है, इतना अंधेरे में जाके बनाऊंगा, सिर्फ गाड़ी ना दिखे, सिर्फ लाइट दिखे आपको, लाइट, ठीक है ना। अभी मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, अंधेरे में बैठा हुआ इसलिए कि लाइट बंद हो गई है, तो मैं लाइट चालू कर देता हूँ, ये लाइट चालू कर दिया। तो चलिए, तो बताइए दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई है। अभी ड्यूटी खत्म हुआ, अभी जाना है अंदर रूम में, उसके बाद फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद में खाना वीना खाना है, फिर सोना है, सुबह उठ के फिर ड्यूटी जाना होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ अगली कोई वीडियो में, जब तक के लिए मां सलामा। ये वीडियो सुबह में जल्दी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप यहां तक देखे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 10K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई हो और थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ा थैंक यू यार आप लोगों को, और वो अल्लाह को बहुत बहुत, यानी कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा। इंशाल्लाह फिर कल बात करते हैं आपको अगली कोई वीडियो में, जब तक के लिए मां सलामा, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।